लालू यादव जब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो कहा गया था कि उनकी तबीयत और उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, कई तरह के जांच होने हैं, इसके लिए वो दिल्ली गए हैं। जबकि पिछले कई महीनों से वो पटना रह रहे थे। तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें पटना लाया था और जाते जाते वो नीतीश कुमार से बात भी करके गए हैं। एक राउंड उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया तो नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन फिर नीतीश कुमार रात के अंधेरे में उनसे मिले, बातें हुई, उसके बाद से एक विवाद सामने आ गया। विवाद शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था और शिक्षा विभाग के मंत्री और वहाँ के अधिकारी के बीच तनातनी हो गई थी, जिसको लेकर के काफ़ी किरकिरी हो रही थी सरकार की, और यहाँ तक कि इस बात को लेकर के किरकिरी राष्ट्रीय जनता दल की भी हो रही थी कि बार बार ऐसा माहौल क्यों पैदा हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद जाने से पहले एक बार नीतीश कुमार से बातचीत करके और इस मामले को समाप्त करने की बात कह के गए। यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा के विभाग के मंत्री चंद्रशेखर को अपने आवास पर बुलाया, उन्हें डांटा और उन्हें नीतीश कुमार से मिल करके मामले को समाप्त करने की बात भी कही। ये बातें यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक थी और यहाँ तक ये समझ में आ रहा था कि मामला बिल्कुल ठीक है और ये सुधर जाएगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को अकेले में बुला करके डांटने और समझाने की बात कही थी, लेकिन वहाँ माहौल दूसरा था जिसकी खबरें हमने आपको दिखाई। वहाँ दो दो मंत्री पहले से मौजूद थे और यहाँ तक कि वो अधिकारी भी मौजूद थे जिनके साथ मंत्री जी का टुनटान हुआ था, यानी कि सीधे तौर पे जो बातें लालू प्रसाद ने कही उस बात से अलग, बुलाया तो ज़रूर लेकिन मामला कुछ दूसरे तरफ शिफ्ट कर गया। और वहाँ से आने के बाद जब मंत्री जी ने कहा कि वो बातें नहीं हुई जिसके लिए लालू प्रसाद ने कहा था, तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल खोल गई। उसी का परिणाम था कि लगातार आपने देखा होगा जगतानंद सिंह हो या अन्य रावड़ी आवास हो, वहाँ लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, विधायक आते रहे और यहाँ तक कि बड़े जो आरजेडी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को बुलाया गया और बुला करके एक बैठक की गई। इस बैठक में क्या निकल करके आया ये तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन चंद्रशेखर और सुनील सिंह के बयान ने साफ कर दिया कि मामला कहीं ना कहीं उलट गया है, यानी कि मामला अब शिफ्ट कर गया है मान सम्मान और प्रतिष्ठा की तरफ। सुनील सिंह ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की प्रकृति रही है इस तरह की बातें करते हैं। ये बातें जब पब्लिक डोमेन में आई, चंद्रशेखर ने भी जब मीटिंग करने के बाद जगतानंद सिंह से बैठक हुई, बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा कि विभागीय बात करने के लिए आए थे, लेकिन जब ललन सिंह से बात हुई तो ललन सिंह ने कहा कि ये मामला सरकार का है और सरकार के लोग समझेंगे। अब इन सब बातों पर एक बार फिर से आप 2017 को ध्यान में रखिए। 2017 में यही बातें हुई थी और जैसे ही नीतीश कुमार को ये पता चला कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से हो रहा है, तो इनका जमीन खिसकने लगा और नीतीश कुमार सीधे भागे भागे राजगीर पहुंचे। राजगीर में उन्होंने अज्ञातवास लिया और वहां से निकल करके आए तो कहा कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ने उन्हें महागठबंधन से बाहर होने की बात कही है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है और वो भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। इसी बात को जस्ट उल्टा करके आप देखिए तो तब भी सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनी थी, पहले भी सुना था और अंतरात्मा की आवाज़ का खुलासा होने के बाद भी सुना था। इस बार भी सुशील मोदी आवाज़ सुनने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि बात थोड़ा सा अलग है। जैसे ही नीतीश कुमार पटना छोड़ते हैं वैसे ही दिल्ली में एक हलचल होती है और सुशील मोदी का बयान आता है दिल्ली से लौटने के बाद कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए कि वो नीतीश कुमार के इस मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले रवैये से अलग हो जाएं। नीतीश कुमार से अलग होना ही राष्ट्रीय जनता दल के आगे आने वाले भविष्य के लिए ठीक है, इतना ज़्यादा मान सम्मान को ताक पर रखकर काम नहीं करना चाहिए। यही बातें सुशील मोदी ने कही है, यानी कि सुशील मोदी और सुनील सिंह जो बातें कह रहे हैं वो दोनों की बातें बहुत मेल खा रही है और लालू प्रसाद इस मामले पर बिल्कुल चुप हैं। तो क्या लालू प्रसाद दिल्ली बैठे बैठे ही
कोई बड़ा खेल कर रहे हैं। क्या बिहार में एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है? हालांकि ये भी कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ले सकती है? क्योंकि बार बार ये बातें रिपीट की जा रही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है उसके सारे किए धरे समाप्त हो जाते हैं। तो क्या पूरे परिवार सहित तेजस्वी यादव के भविष्य का भी फैसला लालू प्रसाद एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के कर सकते हैं? सवाल बड़ा है, सोच भी बड़ा है, लेकिन क्या ये संभव हो सकता है? तो आपने सुना होगा कि दोनों ही खेमे के लोग ये कहते हैं कि सियासत में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती और संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिहार अभी बहुत राजनीति करेगा, बहुत राजनीति होगी और 2024 से पहले तो बहुत सारे खेल होने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।